हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू ऑल आप सभी का स्वागत है भाई एस एस सी सीजियल पिनाकल क्लासेस के अंदर मैं आपका अपना रोहित सर ओके गुड मॉर्निंग भाई राकेश गुड मॉर्निंग अरुण सर गुड मॉर्निंग प्रियांश्वराज गुड मॉर्निंग केसी गुड मॉर्निंग भाई चलो आ जाएं भाई सभी आ जाएं फटाफट आ जाए इन्फॉर्म कर दें भाई जनता को इन्फॉर्म कर दें क्लास स्टार्ट हो गई है <coughs> जितना पॉसिबल हो लाइक करें उतना पॉसिबल हो शेयर करें है ना ये बातें तो रोज रोज आपको बतानी पड़ती हैं है जी आ जाओ चलो आ जाओ भाई आगे सारे आगे स्टार्ट करें स्टार्ट करें भाई हुँ, हुँ। चलो स्टार्ट करते हैं स्क्रीन पर आपके आपके इस दिन का पहला क्वेश्चन है जी आपके स्क्रीन पर फटाफट आंसर करेंगे राम राम भाई एम एस राम राम आज की सुबह का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई नब्या लाइब्रेरी सिपारा पटना गुड मॉर्निंग भाई नव्य राकेश लेट्स स्टार्ट या बिल्कुल स्टार्ट हो गई भाई क्लास स्टार्ट हो गई स्माइल के साथ क्लास को स्टार्ट करें जी आप में से आधे से ज़्यादा तो बेड पे ही पड़े होंगे अभी हैं अभी तो ब्रश भी नहीं करा होगा शशांक शर्मा सी राकेश सी ओके के सी अरुण सागर सी राइट right, ओके okay. प्रयांशुराज गुड मॉर्निंग भाई इंडिया ओके गुड मॉर्निंग चलो ठीक है भाई सभी के सी ऑप्शन आ रहे हैं भाई सी ऑप्शन आ रहे हैं सभी के अमर बाबू बी ओके okay. चलो देख लेते भाई क्या कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम अपने से क्या पूछा भाई एंटोनिम पूछा और किस वर्ड का पूछा वो है भाई क्या क्या वर्ड है भाई यहाँ पे सैलियंट सेट की मीनिंग आपको पता है सैलियंट की मीनिंग क्या होती है भाई salient. जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ किसी होटल में जाओ या फिर किसी कॉलेज का ब्रोसर देखो हाँ भाई अजय ठाकुर गुड मॉर्निंग ठीक है प्रिंस पंडित सिंह चलो जी किसी कॉलेज का ब्रोशर देखो अपने यूनिवर्सिटी जहां से पढ़ाई करी हो आपने वहां का ब्रोशर देखो तो सैलियंट वर्ड आपको कहीं ना कहीं यूज होते हुए दिखाई देगा और वो कहीं ना कहीं ऐसे लिखा होता है सैलियंट फीचर क्या लिखा होता है भाई सैलियंट फीचर इट मीन्स ओनली कि जो इम्पॉर्टेंट फीचर हैं उस रेस्ट्रों के या फिर आ, उस होटल के या फिर हॉस्पिटल या फिर जो भी है वो ठीक है जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका जो इम्पॉर्टेंट या फिर हाईलाइटेड फीचर है ठीक है उसको सैलियंट बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट या फिर सिग्निफिकेंट होता है भाई इसका आंसर सिनानी राइट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं आप इसको या फिर सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं राइट सो अब इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट के लिए हमारे सामने चार ऑप्शन दे रखा है कि कोई एक एंटोनिम चूज करना है एंड विनो चीफ मतलब मेन होता है ये भी इम्पोर्टेंट होता है इमिनेंट मतलब फेमस होता है तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा ये भी नहीं बनेगा रिमार्केबल भी एमिनेंट के में इम, इमिनेट के सिनोनिम में ही काउंट होगा तो वो भी हमारा आंसर नहीं बनेगा सो करेक्ट आंसर इज वॉट सी सी इज़ द राइट आंसर सी इज़ द राइट आंसर सभी के आंसर ठीक थे किसी एक ने बस बी ऑप्शन चूज करा था तो शायद उनको समझ आ गया हो है ना हाँ जी सैलियन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे हाईलाइटेड फीचर जो होते हैं उनको आप सेपरेटली रीड करते हो चलो जी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम बताना है यहां पर भी आपको अच्छा इधर एंटोनिम बताना था अगला है सिनोनिम चलो आंसर करो मैक्सिमम शेयर कर दें भाई जनता को बताएं कि क्लास स्टार्ट हो गई है प्रिंस पंडित हम्बल एमएस हम्बल और राकेश बमन भी हम्म अरुण सागर हम्बल यस यस गुड वेरी गुड वेरी नाइस सभी के आंसर बेहतरीन लाजवाब बढ़िया जी सभी का आंसर बेहतर है चलो देखो मॉडेस्ट ना मॉडेस्ट की मीनिंग क्या होती है भाई मॉडेस्ट मॉडेस्ट मतलब ऐसा बंदा जो थोड़ा काइंडनेस वाला हो जेनरस वाला हो है ना उसी को मॉडेस्ट बोलते हैं तो so, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे काइंडनेस बोल सकते हैं काइंडनेस इसके अलावा और कुछ बोल सकते हैं बिल्कुल इसके अलावा एल्ट्रोस्टिक बोल सकते हैं एल्ट्रोइस्टिक और कुछ एल्ट्रोस्टिक के अलावा एल्ट्रोस्टिक के अलावा और कुछ बोल सकते हैं हमने काइंडनेस जेनरस एल्ट्रोस्टिक और क्या बोल सकते हैं भाई हम्बल बोल दिया ठीक है काम काम पैसिफिकेशन के सेंस में यूज होगा पैसिफाई करने के सेंस में यूज होता है काम राइट सो so, हम्बल इज द राइट आंसर ये तो ठीक है हम्बल राइट right आंसर है बोल्ड की मीनिंग होती है भाई फियरलेस बोल्ड की मीनिंग क्या होती है फियरलेस होती है राइट अब अगला वर्ड है भाई क्या हाँ इम्पैथी बोल सकते हैं डिसमाल डिस्माल की मीनिंग क्या होगी वो समझो डिसमाल की क्या क्या मीनिंग हो सकती है डिसमाल की मीनिंग एक होती है डिस्पेयर क्या बोला डिस्पेयर ठीक है फिर डिसमाल का मतलब सिंपल होता है हाँ जी भाई गुड मॉर्निंग अनुप राकेश अग्निहोत्री हम्बल इम्पैथी यस ओके ठीक है डिसमाल डिसमाल की मीनिंग होती है कि उदास टाइप का है ना कि कोई है जिसको मतलब दुख है स्वरू है है ना ठीक है उसको बोल दिया भाई हमने राइट तो डिसमाल क्या होगा डिस्पेयर हो गया डिस्पेयर बोल दिया और क्या बोल सकते हैं भाई डेजोलेट बोल सकते हो डेजोलेट बोल दिया आपने डिजोल्ट के अलावा आपने ग्रीम वर्ड यूज करा ध्यान से देखना एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं ग्रीम ग्रीम और ग्रीन एक वर्ड होता है ग्रीन जी आर आई एन और यहां है ग्रीम जी आर आई एम ग्रीन और ग्रीम में स्लाइटली डिफरेंस है और वो डिफरेंस किसका है एम और एन का जैसे ही आपने ग्रीन लिखा जी आर आई एन ग्रीन ग्रीन की ग्रीन की जो मीनिंग होती, होती है वो होती है स्माइल Smile, है ना एक ब्रॉड सी स्माइल है ना होता है ना ऐसे हंस जिसमें आपकी दांत सारे दिख रहे होते हैं ऐसी वाली स्माइल है ना ठहाके लगा के वाली स्माइल ठीक है उसको बोलते हैं ग्रीन राइट right? उसको बोलते हैं ग्रीन ब्रॉडली स्माइल को ठीक है और ये ग्रिम है जी आर आई एम ग्रिम मतलब क्या ग्लूमी टाइप का है ना हाँ बिल्कुल ग्लूमी टाइप का सो ग्लूमी वर्ड भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे ग्लम भी यूज कर सकते हो मेलन कोली को भी आप बिठा सकते हो बगल में मेलन कोलिक है ना ठीक है मेलन के अलावा आप आप किसको बिठा सकते हो डिप्रेस्ड को बिठा सकते हो है ना ड्रैप को बिठा सकते हो डल को बिठा सकते हो डिम को बिठा सकते हो देख पा रहे हैं आप वर्ड्स देख, है, है, देख पा रहे हैं ठीक है वर्ड्स देख पा रहे हैं भाई कितने वर्ड्स हैं ठीक है लुगुब्रियस एक वर्ड होता है लुगुब्रियस लुगुब्रियस ये वर्ड आपके पेपर में आ चुका है आप इसको बिठा सकते हो लुगुब्रियस राइट मॉनफुल यस एग्जैक्टली मॉनफुल आप बस ये देखो ये वो वर्ड है ना भाई जो पेपर में लगातार घूम रहे है ये वो वर्ड है जो पेपर में लगातार घूम रहे हैं भाई राइट सो तो ये वर्ड्स आपके हो गए भाई डिस्पेयर के हाँ अजय ठाकुर डिस्मॉल रिलेटेड टू तो नेगेटिव वर्ड्स बिल्कुल डीके सर गुड मॉर्निंग चलो ग्रेव ग्रेव मतलब क्या होता है भाई सीरियस ग्रेव की मीनिंग क्या होगी भाई सीरियस के सेंस में यूज करेंगे सो तो दीज आर दस फॉर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स राइट right. और आपकी स्क्रीन पर है भाई सारे कितने आसानी से एक वर्ड के साथ कितने सारे वर्ड आप एसोसिएट कर सकते हो और अपनी विकेबुलरी को बिल्ड कर सकते हो अपनी वो कैप को बिल्ड कर सकते हो अच्छे तरीके से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई आंसर करें को लाइक और शेयर दोनों कर दे सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को जो भी आप समझ पा रहे हो सारी बातें कर दें जो जो होता है भाई पॉसिबल है ना ठीक है डन डन जय ठाकुर डी राकेश बर्मन डी राज डी शशांक शर्मा डी रतीश अग्निहोत्री मिशन थ्रो राज डी अरुण सागर डी प्रेम कुमार जांगीर मिशन आदर्श त्रिपाठी डी अनूप सोनी जी राकेश वर्मन मिशन ठीक है ठीक है ठीक है सभी के आंसर ठीक है हाँ जी सभी के आंसर बेहतर हैं बेहतर हैं जी बिल्कुल डी के मिशन चलो वन हेट्स मैन काइंड जो मेन काइंड मैन काइंड में बेसिकली क्या करते हो भाई हेट करता है बेसिकली मानवता में जो भरोसा न रखता हो

हमें वो चाहिए जो मानवता से नफरत करता हो और वो क्या है भाई डी मिसन थ्रोफ हेटर ऑफ मैन काइंड हेटर ऑफ मैन काइंड ऑफ मैनकाइंड राइट कंपीयर वर्ड लिखा हुआ वहां पे कंपीयर की मीनिंग क्या होगी हाँ भाई मिस ऑन हेट ठीक है कंपियर की मीनिंग क्या होगी हाँ भाई प्रेम कुमार जहांगीर मैं वही पूछ रहा हूं कंपियर कंपियर किस किसको बोलते हैं भाई कंपियर की मीनिंग क्या होगी तुलना करना वो कंपेयर होता है भाई डीके वो कंपेयर होता है कंपेयर करना सी आ रही द पर्सन हु इंट्रोड्यूस बिफोर द इवेंट नहीं द पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर इन द इवेंट ये कह सकते हो आप हमेल वॉलेंट इज ऑल्सो निगेटिव वर्ड फॉर वैट थिंग्स यस बेसिकली कंपेयर की मीनिंग क्या होती है वो होती है भाई कि जैसे आपने एंकर को देखा होगा आपने किसी होस्ट को देखा होगा कि वो परफॉर्मर को स्टेज से बुलाते हैं एक एक करके उसी को बोलते हैं कंपेयर कंपेयर का काम होता है है ना कि परफॉर्मर को स्टेज पे बुलाना उनके परफॉर्मेंस के लिए राइट सो कंपेयर की मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो, हो गई कंपेयर की मीनिंग क्या होती है काइंड ऑफ होस्ट बोल सकते हो होस्ट या फिर एंकर बोल सकते हो है ना एंकर बोल सकते हो डन डन है भाई कंपेयर की मीनिंग डन है हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं चेंज ऑफ हार्ट चेंज ऑफ हार्ट की मीनिंग क्या होगी प्रिंस पंडित सिंह अजय ठाकुर सी अरुण सागर सी शारन एम सी के सी राके सी राकेश सी सी डी के सी आदर्श त्रिपाठी सी अनुप सोनी सी। ठीक है भाई सभी के आंसर ठीक आ रहे हैं अग्निहोत्री डिफरेंट ओपिनियन राइट सी दिलराज महतो सी कुन कराटे किड uh, कराटे इंडिया यस सी शिवानी सिंह गुड मॉर्निंग हाँ जी भाई गुड मॉर्निंग चलो चेंज ऑफ हार्ट के बारे में पूछ रहा चेंज ऑफ हार्ट की मीनिंग क्या होगी अपने पास चार ऑप्शन है कोई एक करेक्ट होगा तो चेंज ऑफ हार्ट की मीनिंग होती है कि भाई रात में आप कोई और प्लान करके सोए कि हाँ भाई मैं तेरे साथ कल मीटिंग करूंगा या फिर मैं तेरे साथ चलूंगा या फिर ऐसा कुछ राइट और सुबह होते ही आपका मन बदल गया सुबह होते होते ही आपका मन बदल गया कि नहीं मेरे को नहीं जाना राइट तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ हार्ट आपने अपने ओपिनियन को चेंज कर लिया अपने ओपिनियन को क्या कर रहा है भाई चेंज कर लिया बिल्कुल शिवानी जी ठीक है डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग आप अपना ओपिनियन चेंज कर चुके हो किसी के बारे में या किसी चीज को लेकर आपको वहां नहीं जाना है या फिर उसके साथ नहीं जाना है उसको बोलते हैं चेंज ऑफ हार्ट बिल्कुल आंसर कर पा रहे हैं आप लोग बिल्कुल आप एक चीज नोटिस करो ना कि आप वही क्वेश्चन आप देख रहे हो जो पेपर में आ रखे उन्हीं क्वेश्चन का आप आंसर करो तो ऐसा क्या होता है कि पेपर में आंसर नहीं हो रहे होते हैं हाँ फिकल माइंड यस बिल्कुल फिकल माइंड बोलते हैं उसको बढ़िया कैसी क्या ऐसा होता है कि आप पेपर में आंसर नहीं कर पाते ये आपको सोचना चाहिए इस टाइम है ना क्योंकि आंसर तो अभी आप ही कर रहे हो डन है चलो नेक्स्ट की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपके स्क्रीन पर एक पोस्टर दिख रहा है ठीक है एसएससी सीजीएल मेंस 2023 इंग्लिश एग्जाम में प्रश्न यहीं से आएगा अपडेटेड टीसीएस पैटर्न करके आपके सामने एक पूरा का पूरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या रखा है टायर टू के क्वेश्चन में राइट ये चीज आपके सामने है भाई ये टैगलाइन के साथ ये कोर्स लॉन्च हुआ है कल का पिनेकल के ऐप पे है ना तो जो भी लोग आज किसी को प्रॉमिस करना कि उसको किसी शादी करोगे <laughs> हाँ भाई राकेश वर्मन ठीक है चलो मडेड हेड बोल सकते हैं भाई ठीक है यह है आपका पिनेकल के ऐप पे कोर्स आपको मिलेगा वन फोर्टी अप्रॉक्स अभी तो जो चल रहा है अजय ठाकुर जब तक कि अपन वो नहीं देख लेते कि क्या अपडेट है भाई इनके वैकेंसी में है ना ठीक है चलो ये चीज है ये चीज है भाई ये कोर्स लॉन्च हो चुका है भाई ठीक है स्पेशली इंडिविजुअल इंग्लिश का वो बैच है जिसमें आपको पूरे साठ घंटे का सिक्सटी आवर्स प्लस है ना सिक्सटी आवर्स प्लस का वो पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा कि आपको लगातार वो क्लासेस मिलेंगे ठीक है सो जो बच्चे सीजियल मेंस के लिए स्पेशली जा रहे हैं कि उनको सीजियल मेंस देना है आपके जानने वाले हो आपका दोस्त हो कोई भी हो जिनका हो रहा हो ठीक है ई पी एफ ओ एस एस की आ जाएगी भाई आंसर की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती है भाई आने की प्रिंस ठीक है चलो तो ये चीज आपके सामने है आप इसको देख लें बहुत ही जल्दी आपका फाउंडेशन बैच भी लॉन्च होगा फाउंडेशन का भी बैच बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है तो सारी चीजें आपको पिनेकल के ऐप पे पर पिनेकल के वेबसाइट पर ही मिलेंगी और कहीं देखने को कुछ नहीं मिलने वाला है सो प्लीज गो थ्रो विद दो लिंक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाते हैं राइट right? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है सेशन को लाइक भी कर दें भाई क्या हो गया राकेश है हंस रहा है गुड गुड भाई पुनित आ जाएगी जल्दी आ जाएगी अजय ठाकुर जल्दी ही बुक आने वाली है फिफ्थ एडिशन जल्दी लॉन्च होगा बढ़िया है भाई पुनित ठीक है आंसर करें हाँ, पढ़ लिया मैंने मैसेज पढ़ लिया भाई आपका पुनित प्रजापति अरुण सागर सी आंसर करें भाई दशांग शर्मा भी डीके सी बिगेन रॉन्ग है प्रिंस पंडित प्रियांशुराज डी ठीक है क्या है भाई स्टेटमेंट The following sentence has been split into four segments. Identify the segment सेगमेंट ऑफ दैट कंटेंट्स अ ग्रामेटिकल एरर एंड हेयर वी हैव टू फिगर आउट द एर फ्रॉम दिस सेंटेंस है ना इसमें से हमें एक एरर ढूंढना है जो अपने पास चार पार्ट में तोड़ के दिया गया है वो ऊपर वाला सेंटेंस नीचे चार पार्ट में तोड़ कर दिया गया है हमें बस क्या करना है भाई वो एरर फिगर आउट करना जहाँ लिखा गया है कि किस पार्ट में एरर है बी सी डी सारे ऑप्शन बहुत शानदार भाई सारे ऑप्शन पिकअप किए जा रहे हैं भाई सारे आंसर ठीक है एग्जाम का क्वेश्चन ये भी है भाई बस यहाँ पे डेट वेट नहीं मेंशन की गई एग्जाम का ये भी है ठीक है रविंग एरर है अच्छा दिलराज सिंह के सी भी राकेश बर्मन भी अजय ठाकुर सिंह है नलायक सबके अलग अलग आ रहे हैं बी सी डी चलो ठीक है समझ लेते है भाई क्या है मतलब एक किसी ने पिक नहीं करा है <laughs> एक किसी ने चूज नहीं करा है गजब अच्छा चलो ठीक है केसी एरर केसी ने बोला नो एरर नो अतिशनोत्री ग्रैबिंग 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 कैसे होगा भाई चलो आ जाओ समझते समझते भाई चलो ठीक है फोकस करेंगे सभी क्या बोल रहा है द यंग बॉय ट्राई टू जर्क आउट जर्क आउट मतलब जम करके भागने की कोशिश करना है ना आउट ऑफ द वे है ना द यंग बॉय ट्राइड ट्राइड आ रखा है आ आ रखा भाई. वी आ रखा है है भाई मतलब पास्ट इन की बातचीत चल रही है भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है बता रहे हैं भाई शिवानी देखो जरा क्या हुआ भाई द यंग बॉय ट्राइड टू जर्क आउट ऑफ द वे मतलब क्या बोल रहा है ये कि जो यंग बॉय है वो कोशिश कर रहा था कि भाई वो रास्ते से भाग जाए उछल कूद करके भाग जाए बट 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 लेकिन शी लेकिन उसने हो सकता है उसकी मम्मा हो शी ग्रैब्ड अगेन वी टू ठीक है शी ग्रैब्ड हिम ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट ये वब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सब्जेक्ट ये वब ये ऑब्जेक्ट राइट right? ठीक है तो बात ठीक ठीक है भाई भाई को भी भी फॉलो कर रहा है 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 और टेंस ठीक ठीक आ रखा है भाई यहाँ पे सी ग्रैब्ड हिम उसने उसको पकड़ लिया एंड अगेन वी टू ठीक है ना सो सी एंड बिगेन रबिंग द टिप ऑफ हिज नोज और उसके नोज के टिप को नोज के टिप को जो ऊपर वाला ये पार्ट होता है नोज के टिप को उसने रब करना स्टार्ट करा टू गेट द टू के बाद बी आता है ये भी ठीक है टू गेट द स्टेन स्टेन ऑफ ऑफ मतलब क्या जो उसके नाक पे जो उसके नोज पे क्या था भाई स्टेन था था धब्बा और वो जो भी कह सकते हो स्पॉट था उसको साफ करने के लिए स्टेन ऑफ बोलते हैं भाई उसको दाग को हटाने के लिए उसने क्या करा भाई उसके नोज को उसके नाक को रगड़ना स्टार्ट कर राइट right? ये पूरी पूरी बात हो रही है यहाँ पे सो so एक चीज है यहाँ पे कि आपके सामने चार ऑप्शन है भाई चार ऑप्शन है ठीक है अगर मैं नीचे से यहाँ से देखना स्टार्ट करूँ तो बट सी ग्रैब्ड हिम एंड बिगेन तो भाई सब्जेक्ट जो है वो सी है भाई सी सब्जेक्ट है ग्रेवड क्या है भाई वी टू है राइट right? हिम क्या है ऑब्जेक्ट है एंड बिगन क्या है भाई आप देख पा रहे हो ये जो वर्ब है और ये जो वर्ब है इन दोनों का सब्जेक्ट क्या है भाई शी तो इसके लिए भी वी टू यही है भाई इस वी टू के लिए सब्जेक्ट शी है राइट right?

टिप हो गया भाई नाउन टिप मतलब नाउन और नाउन से पहले क्या आता है एडजेक्टिव आता तो ये भी ठीक है इसमें भी कोई एरर नहीं है आगे देखोगे तो द यंग बॉय ट्राइड वी टू टू जर्क आउट ठीक है ऑफ द वे इसमें भी कोई एरर नहीं है सो so, जब कोई एरर नहीं है तो हम क्या मार्क करेंगे भाई नो no एरर कोई एरर नहीं है हम क्या मार्क करेंगे नो no एरर हमें सेंटेंस देख कर उसको उसका मतलब पोस्टमार्टम करना आना चाहिए अगर आप पोस्टमार्टम कर पा रहे हो तो आप आंसर फिगर आउट कर पा रहे हो राइट right. और यह तभी पॉसिबल है कि जब आपका फंडामेंटल ठीक ठाक है है ना आई होप आपको अंडरस्टूड हुआ होगा कि क्या बातें चली थी यहां पर अपन कितनी दूर तक पहुंचे हैं? है ना राकेश बर्वन इन होगा ना सर कहां पे कहा इन होना चाहिए बताओ इन कहा होगा कौन से वाले ऑप्शन में जर्क आउट वाले में कहा बोल रहे हो जर्क आउट में बोलना चाह रहे हो आप सभी वो क्लियर है हाँ चलो ठीक है क्लियर है तो आगे बढ़ते भाई कोई दिक्कत नहीं है नो एरर ही मार्क करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करें क्लियर इन द वे नहीं वो ठीक था भाई कोई दिक्कत नहीं था वहां पे इन द वे कहा ऑफ द वे आउट ऑफ द वे ना रास्ते से बाहर भागना चाह रहा था इन द वे नहीं रास्ते में जाने की बात नहीं वहां से भागने की कोशिश कर रहा था आउट ऑफ द वे होगा सेशन को लाइक कर दे भाई लाइक कर दे है ना शेयर भी कर लें भाई लाइक भी कर लें ये सारी चीजें तो कर ही लिया करो यार इसके लिए कहना ना पड़े चलो के सी डिस्करेज प्रियांशु डी प्रिंस पंडित इन साइट अरुण सागर सी और और जनता क्या बोल रही भाई रति सग्नोत्री अब्यूस अमर बाबू बी शारण एम बी ओके आ, बताना है भाई डी के सर बी हम्म समझते हैं भाई क्या है समझते हैं क्या बोल बोल रहा है भाई सिनोनिम बताना है अप्रोप्रिएट सिनोनिम हमें देना है भाई इसके लिए ठीक है अप्रोप्रिएट सिनोनिम देना वर्ड है भाई रिवाइल रिवाइल की मीनिंग पता हो तो अपन सिनोनिम भी ढूंढ लेंगे रिवाइल की अगर मीनिंग पता हो तो अपन विश्व प्रजापत डी ठीक है भाई अजय ठाकुर बी शिवानी ए सशांग शर्मा बी ठीक है भाई राकेश डी चलो समझ लो रिवाइल की अगर मीनिंग पता हो हमें तो आंसर हम फिगर आउट कर सकते हैं राइट right? ऑब्वियसली भाई सिंपल सी बात है अगर मीनिंग पता होगी तो रिवाइल की मीनिंग क्या होगी रिवाइल की मीनिंग होती है सिंपल सी बात है क्या करना भाई स्कॉल्ड करने के सेंस में या फिर रिबुक करने के सेंस में है ना रिबुक करना स्कॉल्ड करना या फिर क्या रिप्रोच करना ठीक है चेस्टाइज करना चेस्टाइज करना ठीक है और कास्टिगेट करना देख लो भाई कास्टिगेट करना क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं रिवाइल के लिए वो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं आपके पेपर में देखने को ये वर्ड देखने को ही मिलेंगे इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा राइट तो स्कॉल्ड बोला रिबुक बोला रिप्रोच बोला 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 कास्टिगेट और क्या बोल सकते हो भाई और क्या बोल सकते हो वहां पे अब्यूज दे रखा है तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए भाई ये सारे वर्ड्स आपके लिए चीट बोल सकते हो बिल्कुल चीट भी बोल सकते हो चीट भी बोल सकते हो यहाँ पे एक वर्ड और समझने की जरूरत है आपको यहाँ पे मैंने लिखा है चेस्टाइज एक वर्ड लिखा है टू रेप्रीमेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो यहां पे किसी को डांटना फटकारना किसी के बारे में बुरा बोलना रेप्रीमेंट हाँ जी बिल्कुल क्रिटिसाइज करना सेंसर करना या सेंसर भी वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो सेंसर लेकिन यहां पे एक वर्ड समझो जरा सा क्योंकि वो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा क्योंकि वो वर्ड भी आपके पेपर में आ चुका है एक वर्ड होता है चेस्ट सी एच ए एस टी चेस्ट चेस्ट और चेस्टाइज दोनों में डिफरेंस है भाई चेस्टाइज की मीनिंग है किसी को क्रिटिसाइज करना या फिर कंडेम करना कंडेम करना भी बोल सकते हो इनको पूरा ये क्या कंडेम करने के सेंस में भी आ सकते हैं है ना कि किसी को बुरी तरीके से आपने क्रिटिसाइज करा किसी के बारे में बुरा बोला वो होता है चेस्टाइज चेस्ट का मतलब होता है एब फ्रॉम क्या टू कीप योर टू कीप योर ये वन वर्ड में भी देखने को मिला है इसका एंटोनिम भी पूछा है पेपर में टू कीप योर abstain फ्रॉम फ्रॉम ऑल सेक्सुअल एक्टिविटीज अगर मैं बोलू इसका सिनोनिम क्या होगा तो इसका सिनोनिम होगा पायस पायस या फिर सेक्रेड है ना पायस या फिर सेक्रेड इसकी सिनोनिम बन जाएगी तो ये वर्ड और उस वर्ड में चेस्टाइज और चेस्ट में कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे राइट right. रिवाइल की मीनिंग आपको क्लियर हो गई रिवाइल की मीनिंग क्लियर हो गई अब आ जाओ मीनिंग क्लियर है तो अपने पास ऑप्शन चार है भाई इन चार में से कोई एक चूज करेंगे तो जिनका भी ऑप्शन डी था उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर मार्क किया भाई जिन 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 लोगों ने ने लोगों डी ऑप्शन करा राइट आंसर पिकअप करा साइलेंस हो नहीं सकता इन तो फोमेंट करने के सेंस में यूज होता है ना क्या मार्क करोगे यहाँ से इन के लिए आप क्या मार्क कर सकते हो फोमेंट मार्क कर सकते हो कर यहाँ पे फोमेंट करना या फिर एग्रेवेट करना क्या बोल सकते हो इसको एग्रेवेट ये वर्ड भी लगातार आपको पेपर में देखने को मिल रहा है एग्रेवेट करना Aggravate बोला मैंने और क्या वोमेंट अगमेंट करने के सेंस में भी यूज हो जाएगा है ना अगमेंट करना ठीक है इन साइट एक्साइट के सेंस में भी यूज, यूज होगा हाँ जी विशु बढ़िया एक्साइट के सेंस में भी आप यूज कर सकते हो तो ये वर्ड तो लगातार पेपर में देखने को मिल रहा है आपको डिस्करेज करना होगा नहीं करेक्ट आंसर क्या होगा भाई डी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया जरूरी क्या है आपके लिए कि आप वो कैप को जब पढ़ रहे हो तो ये जानो कि क्या पेपर में आ रहा है और क्या नहीं आ सकता और किन वर्ड्स में कंफ्यूजन दे सकता है एग्जामिनर बड़ा चालाक है ना भाई प्रोवोक करना भी होता है जी बिल्कुल भी मार्क कर सकते। वो भी पेपर में देखने को मिल रहा है तो वो पढ़ो जो आएगा फालतू की ज्ञानबाजी की जरूरत नहीं है जी है ना ज्ञान बहुत है आपके अंदर भी है आप भी किसी को मोटिवेट कर सकते हो आराम से कर सकते हो इतने तो भाई सीख चुके हो बातें आप राइट तो वो पढ़ो जो पेपर में आने वाला है जी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भाई ये उन दिनों की बात है आंसर करेंगे शशांक शर्मा ए एम एस ए राकेश ए के ए शारण ए अरुण ए बाकी 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 डीके क्यों क्यों कुसिन कराटे इंडिया ए ठीक है अमर बाबू ए और डीके सर वेस्ट टाइम वेस्ट टाइम वेस्ट टाइम ओके, टू वेस्ट टाइम ठीक है भाई गिव मी अ सेकेंड ठीक है रतीस ओके okay. मैथ्स वाई चतुर्धन ए रोहित यादव ए शिवानी सिंह ए और विश्व प्रजापत बी, चलो समझ लेते भाई क्या है क्या कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रियट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एडीएम इस एडियम की हमें मीनिंग देनी है भाई तो एडियम की मीनिंग को देखने के लिए हम सिंपल सिंपल सी बात यह करते हैं कि हर एक वर्ड को समझ लेते हैं डेड मतलब मरा हुआ हॉर्स मतलब घोड़ा फ्लॉगिंग क्या होता है भाई फ्लॉगिंग की मीनिंग क्या होगी फ्लॉगिंग की मीनिंग क्या होगी फ्लॉगिंग मतलब होता है टू बीट क्या करना है भाई मारना टू बीट विद स्टिक स्टिक से मारना स्टिक से मारने को हम क्या बोलते हैं भाई स्टिक से मारने को हम फ्लॉग बोलते हैं राइट प्रेम कुमार जहांगीर ए दिलराज ए ठीक है चलो अनुप ए सो so, फ्लॉगिंग की मीनिंग क्या होगी भाई बीट करना मारना किससे स्टिक से किसी को मारना है ना जैसे होता है ना कोड़े बरसा दो आपने सुना होगा बरसा दो तो जो कोड़े होता है भाई डंडा जो वो चाबुक यस yes, एग्जैक्टली exactly, चाबुक वर्ड बिल्कुल ठीक है भाई शशांक और प्रेम चाबुक है ना बीट करना बिल्कुल सो so, घोड़े को मारना भाई स्टॉप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर करियर भाई कह रहा है क्या अब मरा हुआ घोड़ा है है ना मरा हुआ क्या भाई घोड़ा है अब उसको मार रो कोई फायदा है नहीं ना वो जग के दौड़ना थोड़ी स्टार्ट कर देगा बिल्कुल नहीं करेगा तो वो क्या होगा बेसिकली टाइम वेस्ट करने का तरीका हो जाएगा तो वही चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स कि आप मरे हुए घोड़े पे आप जगा मरे हुए घोड़े को क्या कर रहे हो जगाने की कोशिश करो मार रहे हो उसको भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है सो करेक्ट आंसर इज वट ए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बिल्कुल हिट करना हाँ जी बिल्कुल टू बीट विथ स्टिक यस नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बाकी टायर टू का आप जाके कोर्स देख सकते हो एक बार पिनेकल के ऐप पे है ना और आपको पता है पिनेकल के कंटेंट कितने स्ट्रांग होते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कितना रिसर्च करने के बाद से कंटेंट आता है जी सभी के आंसर आ रहे हैं जी सभी के आंसर आ रहे हैं किसी का तो बी आया अमर बाबू ठीक है ऑटोक्रेसी ए अरुण सागर बी ऑटोक्रेसी होगा ऑटोक्रासी होगा ऑटोक्रासी होगा, होगा। यस केसी ऑटोक्रेसी राकेश ऑटोक्रेसी ऑटोक्रेसी, ठीक है मैथ्स ए कराते इंडिया ए और शिवानी एम चलो बिल्कुल सही आंसर है भाई ये सब ठीक है ये सब ठीक है ये हमार, <coughs> सॉरी हमारे आंसर नहीं बनेंगे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर क्योंकि ई e के जगह पे क्या आना था भाई ए आना था क्या बोलेंगे भाई ऑटोक्रासी 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 राइट सो ऑटोक्रासी इज द राइट आंसर ए प्रेम ए चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शिबू ए हां बी बढ़िया है ठीक है आंसर करें जी क्या करें सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है आपको ब्लैंक को फिल करने के लिए ठीक है विश्व प्रजापत सी शतांग सी प्रेम कुमार सी राकेश बमन सी अरुण सागर सी डी के सी एम एस सी राकेश सी पूनम विश्वास सी ठीक है सभी के आंसर आ रहे हैं प्रेम सी ठीक है मेक प्लान रति सग्नोत्री हाँ जी ठीक है दिलराज डी दिलराज का आंसर थोड़ा सा लगा गया ठीक है चलो कोई नहीं देख लेते क्या कह रहे हैं भाई अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना we need to, है वी नीड टू हमें जरूरत है वी नीड टू शिवानी डी ठीक है हमें जरूरत है क्या कुछ करना है इनमें से चार में से कोई एक ऑप्शन यहां बैठाना है वी नीड टू फॉर नेक्स्ट वीक अगले वीक के लिए सो आर यू इन और आउट हम कुछ कर रहे हैं हम कुछ करते हैं क्या करते हैं अगले वीक कुछ करते हैं ऐसा ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है और पूछ रहा है क्या तुम इसमें शामिल हो आर यू इन और आउट क्या तुम इसमें शामिल हो या फिर नहीं हो

डिसऑर्डर या फिर ये कह सकते हो कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन बोल सकते हो इसके लिए एक डिसऑर्डर बोल सकते हो ठीक है नॉइज बोल सकते हो ये भी नॉइज के ही सेंस में आ सकता है ठीक है तो आप क्या करोगे भाई एक क्योस क्रिएट करना चाह रहे हो एक डिसऑर्डर टाइप का मतलब सारी चीजें बेकार वाली चीजें क्रिएट करना चाहते हो तो इसके लिए प्लान करोगे क्या कि नेक्स्ट वीक तुम हम ऐसा करने वाले हैं और क्या तुम इसमें शामिल हो या नहीं हो ये भी अपन नहीं कर सकते तो ये भी खत्म चलो एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं आप अगला बोल रहे वी नीड टू मेक प्लान्स फॉर नेक्स्ट वीक यस एग्जैक्टली हम नेक्स्ट वीक के लिए कुछ प्लान करने वाले हैं ठीक है कर रहे हैं और तुम बताओ तुम इसमें शामिल हो या नहीं हो सिंपल सी बात है ऐसा तो बोला जा सकता है ना कि अगले वीक के लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं और तुम बताओ तुम इसमें आ रहे हो या नहीं आ रहे हो राइट जी बिल्कुल ठीक है और मेक अ मिस्टेक तो होगा नहीं करेक्ट आंसर क्या मार्क किया है आपने सी इज द राइट आंसर तो यूज एलिमिनेशन मेथड है ना एलिमिनेशन मेथड का यूज करें टू फिगर आउट योर आंसर टू फिगर आउट द ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट जो मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड कि आप सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हो और जो आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आप उसको चूज कर रहे हो जी राइट right, बिल्कुल कैसी ठीक है नेक्स्ट की बात करते अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विक्की हेलो हेलो भाई हेलो क्लोज टेस्ट को कैसे हैंडल करें भाई क्लोज टेस्ट को हैंडल करने के लिए आपका ग्रामेटिकल uh, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट आइसेड रूल नहीं कॉन्सेप्ट जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो और वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर लो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा भाई क्लोज टेस्ट पैराजम्बल्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट आप तीनों को एक साथ अपने कमांड में ले सकते हो बाई यूजिंग दिस दिस ट्रिक्स है ना करें भाई करें 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 आंसर करें आंसर 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 टफ सा क्वेश्चन आ गया क्या विश्व ए ओके, राकेश डी ओके और शशांक ए करो भाई <laughs> के सी ए एम एस बी सोनी डी अनुप सोनी डी ओके एम एस बी डी के आई थिंक ए रतीस अग्निहोत्री ए थोड़ा सा क्यों रहा है? एक आंसर आना चाहिए अगर सब एग्री कर रहे हैं तो कोई एक आंसर आना चाहिए mix, mix, mix क्यों आ रहा है yes, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है इस चीज को लेके अमर बाबू सी मौसमी पॉल बी बी ठीक है चलो चलते हैं भाई देखते हैं क्या है बन, क्या बन रहा क्या बोल रहा है, भाई? कि, हमें करना है कि जो अंडरलाइन वाला पार्ट है अगर उसमें है तो इंप्रूवमेंट करना चाहिए भाई और नहीं तो हम नो इम्प्रूवमेंट मार्क कर सकते हैं की मीनिंग होती है इजिली है ना द प्लांट्स रीडली रिस्पॉन्ड टू दीज दीज प्लूरल है दीज प्लूरल है भाई और दीज के बाद एक वर्ड आ रखा भाईमुलस क्या स्टिमुलस मतलब क्या इंसाइड करना ठीक है सो so, दीज के बाद प्लूरल है और उसके बाद स्टिमुलस आ रखा है नाउन और ये नाउन कैसा है भाई आप जरा बताना नाउन कैसा है ये तो आप बोलोगे सर ये है सिंगुलर नाउन ये क्या है भाई सिंगुलर नाउन क्या आना चाहिए था यहाँ पे दीज के बाद दीज अपने बाद हमेशा प्लूरल वर्ड लेगा प्लूरल वर्ड लेगा भाई हमेशा ठीक है तो स्टिमुलिस स्टिमुलस के लिए आपके पास प्लूरल वर्ड क्या है भाई स्टिमली स्टिमली राइट सो so, स्टिमली कहां लिखा हुआ है भाई यहां लिखा हुआ है. स्टिमली कहाँ लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है ये गलत और राइट आंसर so, right बिल्कुल बिल्कुल भाई समझ आया तो आप देख पा रहे हो ना आप कहते हो कि सर नाउन से क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई नाउन के ही क्वेश्चन है ये नाउन के ही क्वेश्चन है सिंगुलर प्लुरल का आपको यहां ला कर रख दिया तो आप रूल्स ना रटें मैं बार बार बोलता हूं रूल्स रटने की कोई जरूरत नहीं कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है आप कॉन्सेप्ट सीखें जी रूल्स में कुछ भी नहीं रखा है चलें चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है <laughs> आंसर करें विशु प्रजापत डी रतीश ड्रेड राकेश बमन ए रतीश ड्रेड के सी के के ड्रेड ओके शांक ए, ए ठीक है बाकी सीबू डेड डेड तो लिखा भी नहीं है भाई डेड तो लिखा भी नहीं है ड्रेड फियर शिवानी डी क्या चूज करना है हमें ओके ठीक है क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ा करो भाई दस ए चलो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम हमें सिनोनिम चूज करना फ्राइड की मीनिंग क्या होती है भाई फ्राइड की मीनिंग होती है भाई क्या अप्रेड होना डरने के सेंस में यूज होगा भाई अब डरने के सेंस में हमारे साथ सामने चार ऑप्शन है ठीक है नितेश रंजन डी ठीक है हाँ बिल्कुल एंटोनिम्स नहीं पूछा भाई चार ऑप्शन है हमारे पास ठीक है इन चार में से हमें एक सिनोनिम चूज करना अफ्रेड की मीनिंग होती है भाई अफ्रेड तो ड्रेड की मीनिंग होती है भाई एक्सट्रीमली अफ्रेड है ना एक लेवल पे जाकर डर लगना काफी बुरी तरीके से डर जाना उसको बोलते हैं या फिर फियरफुल होना अफ्रेड या फिर फियरफुल होना ठीक है सो उसको बोलते हैं ड्रेड राइट हंड्रेड ठीक है भाई अनुप कोई नहीं देख लो मौकरी आपको पता है मौकरी की मीनिंग क्या होती है कंपोजर की मीनिंग और ब्रेवरी ब्रेवरी तो पता ही है करेजियस ठीक है सतीशर में सी जी एल जी के मेन्स का कोर्स लिया हूँ सिक्स वीडियो है पूरा वीडियो डाल दीजिए बिल्कुल सतीश चंद्रा पूरा वीडियो एक एक करके आप बिल्कुल ऐसे घबरा ना जाया करो ऐसे वोकेबलरी का भी एक वीडियो कोर्स है सिक्सटी डेज का है तो एक दिन में सिक्सटी वीडियोज नहीं पढ़ सकते ना लल्ला ठीक है आराम आराम से सारे मिलेंगे आपको सारे मिलेंगे मंडे तक और मैक्सिमम मैक्सिमम वीडियो पढ़ जाएंगे सिक्सटी आवर्स का पूरा कोर्स है वो तो आप बिल्कुल परेशान ना हो सब कुछ मिलेगा उसमें ठीक है आराम से मिलेगा ठीक है चलो आपको बताया भी क्या होगा टॉपिक वाइज कैसे हम डिस्कशन करने वाले हैं अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा तो मौकरी की मीनिंग क्या होगी भाई मौकरी की मीनिंग समझो मॉक करना मतलब क्या टू लॉफ एट पे हंसना होता है भाई टू लॉफ एट समूं इसके सिनेिम बताओ ये तो पूछेगा नहीं है ना सिनोनिम आएगा मौकरी की मीनिंग क्या होती है भाई एक वर्ड होता है जीर सुना होगा नाम सुना होगा भाई जीर जीर सुना हो स्नीर सुना होगा होगा स्नीर अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं पेपर में ये दोनों लगातार आ आ रहे हैं जीर भी आ रहा है स्नीर भी आ रहा है आपने वर्ड सुना होगा रेडिकल या रेडिकलस रेडिकलस तो सुना ही होगा ना एक वर्ड सुना होगा डेरिजन क्या बोलते भाई डेरिजन ठीक है ये वर्ड तो सुना ही होगा डेरिजन और रेडिकुलसो का स्नीर और जीर को मार्क करो मजाक करना किसी का मजाक होना तो है, क्युं? है अब एग्जामल को लग रहा है कि इसके सिनोनिम्स को और लगाना चाहिए जो बाकी के सीनोनिम्स है तो वो इन पे काम कर रहा है राइट मौकरी कंपोजर क्या होता है भाई कामनेस कामनेस के सेंस में आप कंपोजर का यूज कर दो एंड यू नो द

सो so, आपने अपना करेक्ट आंसर मार्क कर लिया ड्रेड ड्रेड की मीनिंग क्या भाई एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेवल लेवल का फियर लेवल का फियर फियर होना होना मॉक टेस्ट देना भी होता है हा एक मॉक टेस्ट होता है भाई हाँ, कम बोल सकते हैं बिल्कुल चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई पैसिफाई मिट्टीएट भी बोल सकते एल ए और एल ए वी एट ये भी पेपर में देखने को मिलेगा एक टर्म होता है एल ए ध्यान से देखो इन पे भी बड़ा कंफ्यूज करता है आपको एग्जामिनर एक होता है एले या और इसका एक और भाई होता है LA V8. LA V8, है ना इनका मतलब होता है क्या करना भाई कम करना कि किसी के दुख को आप क्या कर रहे हो भाई कम करो सूद करो रिलीव करो प्लेसिड करो राइट और एक टर्म होता है अलाई ए एल एल वाई अलाई मतलब होता है फ्रेंडशिप रिलेशन राइट सो कंफ्यूजिंग जो वर्ड होते हैं भाई कंफ्यूजिंग कह लो या फिर जो होमोनाइम्स होते हैं उनको आपको पता होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए राइट तो ये अलग से बात गई भाई आंसर करना है आपको इसका आंसर आ रहे हैं भाई सी राकेश के सी सी बाकी जनता भी आंसर करे फटाफट ठीक है भाई आंसर आ रहे हैं के सी सी एम एस सी क्यों कुशीन सी राकेश बर्मन इज शशांक सी विश्व प्रजापत सी अनूप सोनी सी ए में इट्स होगा वी कंसिडर इनवायरमेंट एज अंगर तीस अग्नोत्री सीज ओके चलो किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है समझ लेते हैं भाई क्या बात कर रहे हैं बोल रहे हैं क्या पार्ट ऑफ द फॉलोइंग एर सेलेक्ट दैटेंट्स द एर फ्रॉम द गि ऑप्शन राइट ये हो गया भाई वी आर अवेयर दैट आवर इन्वायरमेंट आर नॉट वॉट इट इट यूज टू बी राइट वी आर अवेयर दैट आवर इन्वायरमेंट आर नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी राइट अब आपके सामने चार ऑप्शन है ए, ठीक है भाई चलो ए uh, नितेश रंजन डी समझते भाई चार ऑप्शन से किसी में एक में एरर है भाई अब आप की नजर तेज है आपको पता है वी के बाद क्या आता है आर आता है मतलब प्लूरल आता है ये बात तो ठीक है सो वी आर अवेयर हम अवेयर हैं हम अवेयर हैं दैट की जो हमारा इनवायरमेंट है आवर इन्वायरमेंट हमारा इन्वायरमेंट सो इन्वायरमेंट के बाद क्या लोगे भाई environment singular या या आर आप बोलोगे सर इज सो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई बताओ जरा सर सी जिन जिन लोगों ने सी आंसर मार्क करा था बिल्कुल करेक्ट मार्क करा था भाई सी आंसर का डी नहीं होगा भाई सी होगा कहीं कोई एरर नहीं है भाई सी को के कहीं कोई एरर नहीं है एनवायरमेंट इज नॉट वट इट यूज टू बी राइट डन है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बिल्कुल विक्की कुमार इन्वायरमेंट के बाद इज होगा करेक्टली स्पेल्ट वर्ड चूज करना है यहां पे आपको राकेश बर्मन बी केसी बी डिस्कवरी रतीश अग्निहोत्री डिस्कवरी शशांक बी अनुप सोनी बी रेजोनेट रेजोनेट

स्कैपेड हां बिल्कुल स्कैपेड होना था वहां पे बढ़िया कैसी आंसर करो इसका आंसर करो बिक्की कुमार सर एक की मीनिंग बता दीजिए एक की मीनिंग कहाँ पे किसका पीछे वाले का क्या ये स्केपेड स्केपेड होगा भाई की मीनिंग होती है सिंपल बहुत ज्यादा वाला या एक्साइटमेंट जो आपके लिए गड़बड़ हो जाता है ठीक है चलो आ जाओ देखते भाई क्या आंसर आ रहा है सभी के अच्छा डी सी सी बेस्ड ऑन राकेश बर्मन बेस्ड ऑन के सी बेस्ड ऑन ससांग सी एस एस सी सी <coughs> बेस्ड ऑन शोभा कुमारी सी चलो जी ठीक है बेहतरीन बी बी कैसे होगा भाई नितेश रंजन सी चलो ठीक है देख लो जरा फटाफट देख लो क्या कह है भाई मोस्ट ऑफ द कार्बन ट्रैपिंग मैकेनिज्म जो ज्यादातर कार्बन को ट्रैप करने वाले मैकेनिज्म है दैट वी हैव आइडेंटिफाइड जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करा आर बेस्ड एट लिमिट स्टडीज वो किस पे बेस्ड है भाई लिमिट स्टडीज पे बेस्ड है ऐसा बोल रहा है आपको पता है बहुत ही अच्छे से कि क्या होता है भाई क्या होता है ये बेस्ड के बाद आप कौन सा यूज करते हो हो बेस्ड 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 ऑन 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 बोलते ना यस लिमिटेड स्टडीज होना था बिल्कुल सो करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर आप मार्क करेंगे बेस्ड एट लिखा हुआ बेस्ड के बाद अगर आप सिर्फ ये जान पाते कि बेस्ड के बाद प्रेपोजिशन क्या होती है तो भी आप करेक्ट आंसर फिगर आउट कर लेते आराम से कर लेते राइट right? डन ऑन ऑन होगा होगा बिल्कुल होगा जी तो ये क्लास रही आज की हमारी ठीक है कोई डाउट है तो फटाफट फत कमेंट सेक्शन में लिख लें बाकी मैं अपनी तरफ से यही बोलना चाहता हूं आपको कि ये ये आपके स्क्रीन पर ये है भाई सीजीएल मेंस का बैच लॉन्च हो गया है ठीक है ये बैच लॉन्च हो गया है ये अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें उन्हें बताएं कि भाई इंग्लिश का अलग से बिल्कुल इंडिविजुअल कोर्स जिसमें प्रॉपर कंप्लीट कहते हैं ना कंप्लीट है ना अगर आप जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो ना जीरो से भी स्टार्ट करो अभी मेन्स के लिए क्योंकि कुछ बच्चों का आ, क्या होता है भाई आपका मैथ्स बड़ा स्ट्रांग होता है मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है मैथ्स पर उनकी कमांड बहुत अच्छी होती है राइट right? लेकिन उनकी इंग्लिश नहीं हो पा रही होती है और आपको पता है मेंस मेंस में, मेंस में में सीजीएल के जो इंग्लिश का वेटेज है वो करीब करीब 135 मार्क्स का है 135 मार्क्स का 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे है ना ये इंग्लिश के आएंगे ये मैथ के आएंगे थर्टी क्वेश्चन ही पे किसके आएंगे भाई रीजनिंग के आएंगे और क्वेश्चन आपके किसके आएंगे आएंगे भाई के या बोल जीए बोलते जीए बोलते जीएस तो आ जाएगा भाई शिवानी जल्दी आएगा सारी ए, 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 एक एक बार और आएंगे ये सारे फॉर्म दिसंबर एंड होते होते ये मतलब सी जी एल सी एच असल ये सारे होंगे वो डाउट नहीं भाई नो डाउट के सी निनी निन्नी से बाहर आओ हैं ठीक है तो ये सारे आपको पता है क्या 45 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश का है 135 मार्क्स के 390 में 135 मार्क्स क्या होगा भाई 135 मार्क्स का वेटेज आपके पास इंग्लिश का तो so, इस चीज को आप अंदर अंडरस्टूड करो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि भाई वो क्या, सॉरी ये इंग्लिश मेंस की बैच लॉन्च हो चुके भाई सीजीएल के लिए डन है और कोई बात किसी को कुछ कहना चलूं मैं टाटा बाय-बाय आज के लिए चलो ठीक है चलो बाय थैंक यू सो मच